दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत टीम की प्लेइंग 11 हुई घोषित। टीम इंडिया में लौटे चार भूखे शेर, अब इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली तीसरे वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, साथ ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किन चार खतरनाक शेरों की हुई है एंट्री, बताएंगे सब कुछ आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें 2 वनडे मुकाबले खेली जा चुकी है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबले को 5 विकेट से जीता। तो वहीं दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम कांटे की टक्कर देते हुए नजर आई। वेस्टइंडीज की टीम ने भारत टीम को 181 रन पर ऑल आउट कर दिया और चेज करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। अब दोस्तों देखा जाए तो यह सीरीज अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला 1 अगस्त 2023 को खेला जाने वाला है। इस मुकाबले की शुरुआत भारत समय अनुसार 7 बजे से होगी, जहां पर हमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की बुरी तरह हार झेलने के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने अचानक से कई चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आखिरकार टीम इंडिया तीसरे वनडे मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने जा रही है, तो चलिए पूरी तरह से विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात टीम के ओपनिंग बल्लेबाजी की बात की जाए तो बड़े बदलाव के साथ रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस बार ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले 2 मैचों में हमने देखा कि ओपनिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन और शुभमन गिल के कंधों पर थी, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में भारत टीम किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहेगी, जिसके वजह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करे और शुभमन गिल भी जल्द ही अपनी फॉर्म में वापस लौटे, जिसके वजह से टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत मिले। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत टीम के किंग कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की टीम इंडिया में होना लगभग तय है और वे बेहद ही जरूरी है। दूसरे वनडे मैच में कोहली मैदान पर मौजूद नहीं थे, मैच में भी नहीं थे, जिसके वजह से शायद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में किंग कोहली से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद करते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ईशान किशन हमें अब तक ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार नंबर 4 पर हमें ईशान किशन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों टीम इंडिया काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन ईशान किशन की जगह अगर कहीं बनती है तो वो है नंबर 4 पर, क्योंकि ओपनिंग की दावेदारी पहले से रोहित शर्मा और सुमन गिल के रूप में मौजूद है। तो ऐसे में ईशान किशन को नंबर 4 पर बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। नंबर 5 पर हमें संजू सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर सूर्य कुमार यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को वनडे में बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन सूर्य कुमार यादव उसको अच्छी तरह से भुना नहीं पाए, जिसके वजह से तीसरे वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि संजू को डबल मौका मिलेगा तो अच्छी बल्लेबाजी करे और मिडिल ऑर्डर को संभाले। इसके बाद 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो भी आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या का बल्ला और गेंद दोनों तीसरे वनडे मुकाबले में चले। नंबर 7 पर टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो गेंद और बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करने में माहिर है। इसके बाद हमें टीम इंडिया में नंबर 8 पर गेंदबाजी के तौर पर कुलदीप यादव की जगह लगभग तय लग रही है। जी हां दोस्तों, अब तक खेले गए दोनों वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव को जगह मिला, जिसमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर तीसरे मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बात करें टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की, तो यहां पर बदलाव होने की संभावना कम लग रही है। एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार 3 विकेट झटके थे, ऐसे में उम्मीद रहेगी कि तीसरे मुकाबले में भी अच्छी प्रदर्शन करे। इसके अलावा टीम इंडिया में उमरान मलिक और मुकेश कुमार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत टीम की प्लेइंग 11 इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।